तेलंगाना की गवर्नर तमिल साई सौंदर राजन जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मंत्री कोंडा सुरेखा जी, के वेंकट रेड्डी जी, संसद में मेरे साथी डॉक्टर के लक्ष्मण जी, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, संगा रेड्डी प्रजालकु नमस्कार। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी अभियान के तहत आज मैं लगातार दूसरे दिन आप सबके बीच तेलंगाना में हूं। कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगाना और देश के लिए करीब 56,000 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज मुझे संगारेड्डी से करीब 7,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। इनमें हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी हैं। इनमें पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। कल भी जिन विकास कार्यों का लाभ तेलंगाना को मिला था, वो ऊर्जा और पर्यावरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े थे। मैं इसी भावना पर चलता हूं, राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारे काम करने का तरीका है। और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगाना की भी सेवा कर रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सबको और सभी तेलंगाना वासियों को विकास के इन सारे कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज तेलंगाना को एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारो की स्थापना की गई है। ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्ड्स पर बना है। इस सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा प्रयास है
कि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आज इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। कंडी रामसनपलई इस खंड को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। इसी तरह मरियालगुड़ा कोडाड इस खंड का भी को भी पूरा किया गया है। इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। इससे सीमेंट और कृषि से जुड़े उद्योगों को भी फायदा होगा। आज यहां संगारेड्डी से मादिनागुड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के भी आधारशिला रखी गई है। जब ये पूरा होगा तो तेलंगाना कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। 1300 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, तेलंगाना को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से घटकेसर लिंगमपल्ली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, आज मुझे पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इसके द्वारा कम खर्च में सुरक्षित तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने की सुविधा मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे संकल्प को मजबूती देगा। आने वाले समय में विकसित तेलंगाना से विकसित भारत इस अभियान को हम और गति देंगे। साथियों, ये छोटा सा सरकारी कार्यक्रम यहां पूर्ण हो रहा है। मैं अभी पास में ही जनता जनार्दन के बीच जाऊंगा। वहां भी लोग बहुत कुछ इन विषयों में सुनना चाहते हैं। मैं कुछ बातें विस्तार से वहां पर अभी 10 मिनट के बाद जनसभा में रखूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।